अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, उम्मीद है कि आपको पसंद आ जाएगा और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। जो टेक्स्ट आपके पास जो टेक्स्ट है उसको किस तरह मतलब स्पीच में कन्वर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर के जरिए। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका नाम है बारा बोलका, ये सॉफ्टवेयर है, उसको डाउनलोड करना है। यहाँ से मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा, आप यहां से सिक्योरली डाउनलोड फ्री में कर सकते हैं, फिर उसको आसानी के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं, सही है। जो आपके साथ जो टेक्स है उसको किस तरह मतलब इसके ऑडियो एमपी3 किस तरह मतलब बनाते हैं, सही है। इसकी उसका सारा तरीका मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। ये यहां से डाउनलोड होता है, लेकिन मैंने ऑलरेडी उसको डाउनलोड किया था, मैं उसको दोबारा डाउनलोड नहीं करता हूँ। आप ऐसा कर लें, मैंने तो डाउनलोड किया और इंस्टॉल भी किया था, वो तो बहुत आसान तरीका है, सिर्फ टू स्टेप इंस्टॉलेशन है इसका। और इसको ओपन करते हैं, जो सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया था जो टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करते हैं MP3 फॉर्म में, बहुत इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर हमारे साथ यहाँ पे ओपन हो गया, सही है, बहुत आसान तरीका है इसको। और यहाँ से मतलब आपके साथ जो भी टेक्स्ट वगैरह हो उसको किस तरह मतलब आप उसको MP3 या ऑडियो फाइल्स बनाते हैं। मेरे साथ मैंने कुछ टेक्स्ट को कॉपी किया था और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया था, उसको पहले उसको रीड करना है, सही है। इसके मुख्तलिफ वो तो है, जुबान है, सही है, लैंग्वेज है, सही है, माइक्रोसॉफ्ट डेविड एंड जरा डिस्कटॉप, सही है। तो उसको बाई डिफॉल्ट करना है, अगर बाई डिफॉल्ट करना है तो उसको बाई डिफॉल्ट पे छोड़ देना है, सही है। और यहाँ से हम उसको स्टार्ट करते हैं, सही है, रीड आउट करते हैं। जब आप यहाँ पे आप क्लिक कर लें तो ऑटोमेटिकली स्टेप स्टार्ट हो गया, लेकिन वो फीमेल के लैंग्वेज में स्टार्ट हो गया। जो उसका दूसरा है वो मेल के वॉइस में मतलब वो रिकॉर्ड हो रहा है, सही है। मैंने भी उसको चेंज किया था, सही, उसको मेल के वॉइस में उसको रिकॉर्ड करना था, सही है। बहुत आसान तरीका है, उसको छोड़ देते हैं, ये 97% अभी हो रहा है, हो गया 100%, मतलब ये उसको रीड किया था। उसको किस तरह मतलब अभी ऑडियो फाइल में सेव करना है, आप फाइल पे जाए और यहाँ से सेव ऑडियो फाइल पे क्लिक करें। यहाँ से हमारे साथ वो मुख्तलिफ एक्सटेंशन हैं, आप MP4 में सेव करना चाहते हैं, वेव में सेव करना चाहते हैं, MP3 में सेव करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने कोई वीडियो वगैरह उस पर लगाना है तो उस MP4 में सेव करो, अगर नहीं सिर्फ MP3 है तो MP3 पे क्लिक कर ले, आप उसको नाम वगैरह दोगे और उसको सेव कर लें, ये सेव हो गया, सही है। हमारे साथ ये देख ले, ये हमारे साथ सेव हो गया, सही है, ये ऑडियो फाइल में कन्वर्ट किया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया हो और चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।